तो हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं उज्जवल गोला आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक को लेकर मेरठ तमन्ना ऑटोमोबाइल्स में। जो हमारी बाइक को हो गए हैं 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक इसकी नंबर प्लेट नहीं आई है। तो आज हम इसकी नंबर प्लेट लेने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। देखो, एक तो इसकी नंबर प्लेट लगवाएंगे आज मेरठ जाकर, वह है तमन्ना ऑटोमोबाइल्स बच्चा पार्क पे। और इसके जो यहाँ है ब्रेक शू, ये थोड़ी दिक्कत से कर रहे हैं, देखते हैं या तो फिर नहीं गिरवाएंगे, जो भी बताएंगे वो करेंगे। और जो दोस्तों का पहले वाला व्लॉग था उसमें हम बाइक लेकर गिर गए थे शूटिंग करते समय, तो ये देखो ये टूट गया था इसका, ये क्लिच है, ये टूट गई थी। और थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच यहाँ आ गया था पीछे, वहाँ झाड़ी थी, थोड़ा सा स्क्रैच यहाँ आ गया था। और आज इसका ये भी नया गिरवाएंगे, देखते हैं। तो चलते हैं गाइस और दिखाते हैं आपको जो इसकी नंबर प्लेट लगेगी, नंबर क्या आएगा वो बताएंगे आपको। तो चलते हैं, करते हैं व्लॉग स्टार्ट। ऑटोमोबाइल्स में और जो ये रोड जो है ये बन, अभी इस पर काम चल रहा है। ये रोड जो बननी है ये बननी है 4 लाइन रोड। तो इस रोड पे कुछ फ्लाईओवर भी हैं, इन्होंने 2-1 फ्लाईओवर चालू कर दिए हैं। और ये एक सामने फ्लाईओवर, इस पर काम चल रहा है अभी। जब ये सारी रोड कंप्लीट हो जाएगी तो काफ़ी आसानी होगी यहाँ से मेरठ पहुँचने में। तो गाइस अब आ गया है मेरठ कैंट में, ये मेरठ कैंट है और ये राइट हैंड को जो रोड जा रही है ये जा रही है कैंट के अंदर को, हम यहाँ को ही जाएंगे। इसमें जो बाइक की लिमिट है 50 की स्पीड में चला सकते हैं, ऊपर चलाएंगे तो चलान कट जाएगा। और जो ये आगे ये आएगा ना चोपला, इस चोपले पे अक्सर चेकिंग मिलती है, हमें यहाँ एक दो बार पकड़ लिया। देखो अभी ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ घूम रहे हैं, बोर्ड तमन्ना ऑटोमोबाइल्स का जहाँ वे बोर्ड लगा रहा है वही तमन्ना ऑटोमोबाइल्स है। ओ भाई चचा कैसे करेगा जरा गाइस, तमन्ना ऑटोमोबाइल्स तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं तमन्ना ऑटोमोबाइल्स पे और ये खड़ी अपनी बाइक। चलते हैं अंदर और नंबर प्लेट लेते हैं, फिर वर्कशॉप में चलते हैं। ओके बताते हैं नंबर प्लेट। तो गाइस ये चेक करिए कितनी क्वांटिटी में खड़ी है FZ बाइक। तो हमने MT पूछी थी, MT अभी 1.5 महीने की वेटिंग पर बता रहे थे ये भाई। और ये थी R15 रेड कलर की, ये देखो ये थी FZ का न्यू मॉडल FZX, एक वेरी ब्लू कलर में। ये चेक करो गाइस कितनी बाइकें हैं, ये थी रेड कलर। तो गाइस हम गए थे ऊपर, ऊपर कह रहे कि नीचे जाओ वर्कशॉप में, वर्कशॉप में आपकी नंबर प्लेट रखी है, आप जा रहे हैं वर्कशॉप में नंबर प्लेट लगवाने। और जो सब लीवर है वे भी वर्कशॉप में बताएंगे। तो चलते हैं Thank you.
तो फाइनली गाइस नंबर प्लेट मिली है हमारी, और हम इसमें लगवाएंगे नहीं, लगवाएंगे अपने मोबाइल में जाके, क्योंकि कुछ जुगाड़ भी करवाना है वो आपको हम दिखाएंगे। तो गाइस ये रही, अब इसमें ये भाई गिरेंगे ब्रेक शू। तो ये भाई हमें बता रहे थे, इनका नाम है भाई का जो ये ब्रेक शू गिरेंगे, इनका नाम है बिलाल। तो ये भाई चेक करके बता रहे थे कि भाई आप ठीक टाइम पे रिवर्व ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म हो गए, प्लेट पे निशान जो है आने स्टार्ट हो गए थे। तो गाइस जो इसके ब्रेक शू आए थे एमटी के, वह आए थे 995 रुपये के। अब इन्हें चेक करेंगे कि ये घिस कितने घिसे हैं, जब भाई निकालेंगे जब देखेंगे चेक करेंगे। देखो ये है पुराने वाले कितने घिसे और ये है नए वाले, ये पूरे ख़त्म हो गए। तो मुझे नए डाल लें, अब ये ब्रेक शू तो गिर गए, अब इसका लीवर गिरेगा, ये लीवर था, ये पता नहीं भाई ये टूट गया था, नया गिरेगा लीवर। तो गाइस ये बिलाल भाई गिर रहे हैं, इसका लीवर, इसका लीवर चेंज कर रहे हैं, और जो इसके लीवर का जो प्राइस था वे 160 रुपये था, और ये पुराना निकाल दिया। अब ये लगाएंगे नया वाला लीवर, ये रहा नया लीवर और ये पुराना लीवर था, और ये बिलाल भाई नया लीवर लगा रहे हैं। ये लीवर गिरने के बाद इसकी चैन भी चेक कराएंगे, जब हम रास्ते में मारते तो थोड़ी आवाज़ सी कर रही थी, इसकी चैन भी दिखाएंगे, अभी चेक करेंगे बिलाल भाई ये आवाज़ काय की आवाज़ थी। एक गिर गया नया, ये टूट गया था पिछले ब्लॉग में, हमने इसे ठीक करा लिया। अब हम लोग तमन्ना ऑटोमोबाइल ट्रक शॉप से आ गए हैं, और हमें जो नंबर प्लेट है ये मिल गया है, ये 2414। अब इस नंबर को घर जाकर मॉडिफाई कराएंगे और फ्रिज पे लगवाएंगे, और जो इसका लीवर था ये लीवर भी चेंज हो गया। तो जो इसकी चैन थी, चैन भी डिलीवर थी, हमने चैन तो हमने कोई सोची नहीं थी, चैन डिलीवर थी, हमने चैन भी टाइट करा ली। तो अब चलते हैं गाइस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक श्री राम हर महादेव। बाय बाय।